मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप अरोड़ा वाला, वही बात अभिनव अरोड़ा, इतना मूर्ख लड़का है वो। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने के लिए, पर इनको मर्यादा है मेरी। बाल संत के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल अभिनव अरोड़ा इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल हाल ही में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान अभिनव को जमकर डांट लगाई थी। जगतगुरु ने उन्हें मंच से नीचे उतारने तक की बात कह दी थी। उन्होंने ये तब कहा जब अभिनव मंच पर खड़े होकर जोर शोर से ताली बजाकर राम नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी रील्स बनवा रहे थे। जगतगुरु की डांटने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब एक बार फिर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही उन्होंने अभिनव अरोड़ा को मूर्ख लड़का करार दिया है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप अरोड़ा वाला, वही बात अभिनव अरोड़ा, इतना मूर्ख लड़का है वो। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलेगा, मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इस समय यूपी के सुल्तानपुर में विजयथुआ धाम पर हनुमान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यहां मीडिया से बात की। उसी दौरान उन्होंने अभिनव अरोड़ा को डांटने के अपने वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। अभिनव अरोड़ा पर जगतगुरु ने कहा कि वो मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ाई करते थे, भगवान क्या उसके साथ पढ़ेंगे, उसको शिष्टाचार के साथ बात करने तक नहीं आती, मैंने अभी वृंदावन में उसको डांटा था। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वे अभिनव अरोड़ा को डांटते हुए और मंच से नीचे उतारने तक की बात कहते दिख रहे हैं। दरअसल जगतगुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए अभिनव अरोड़ा मंच पर पहुंचे थे। उसी दौरान मंच से उन्होंने राम नाम का जयकारा भी लगाया था। उसी समय जगतगुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें डांटा और आयोजकों से उन्हें मंच से उतारने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि हर स्थान की एक मर्यादा होती है और मेरी भी एक मर्यादा है। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम प्रभु इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट का तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी, बाके ब्याह। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने के लिए, पर इनको मर्यादा है मेरी। बता दें कि सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा के खूब वीडियो वायरल होते रहते हैं। कोई उन्हें फ्रॉड कहता है तो कोई कहता है माता पिता ने फर्जी बाबा बनाया है, वहीं कोई वाकई में इस बच्चे को संत मानता है। अलग अलग लोगों की धारणाएं भी अलग है, लेकिन सोशल मीडिया का एक तबका अभिनव अरोड़ा को खूब ट्रोल करता रहता है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।